होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय सात। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय सात। जब जब मैं इस्राएल को चंगा करना चाहता हूँ, तब तब एप्रेम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं। चोर तो भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है, और वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। वे राजा को बुराई करने से और अपने हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तनूर के समान है जिसको पकाने वाला गर्म तो करता है, पर जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उसकाता। हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे हाथ लगाए बैठे रहते हैं, तब तक वे अपना मन तनूर की नाई तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वह भोर को तनूर की धधकती लौ से लाल हो जाता है। वे सब के सब तनूर की नाई धधकते और अपने नाइयों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं, उनमें से कोई नहीं है जो मेरी दुहाई देता हो। एप्रेम देश देश के लोग से मिला जुला रहता है। एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे नहीं जानता, और उसके सिर में कहीं कहीं पक्के बाल है, परंतु वह इसे भी नहीं जानता, और इस्राएल का गर्व उसके सामने ही साक्षी देता है। यहां तक कि वे इन सब बातों के रहते न तो अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और न उसको ढूंढा है। एप्रेम भोली पंडुकी के समान हो गया है जिसको कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते, वे अशुर को चले जाते हैं। जब जब वे जाए, तब तब मैं उनके ऊपर अपना जाल फैलाऊंगा और उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए, उनका सत्यानाश हुए, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता आया, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते हैं और मुझसे बलवा करते हैं। मैं तो उनको शिक्षा देता और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूं, परंतु वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते आए हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले मनुष्य के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्टों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा।